साथियों, अब टैली में हम ऑर्डर प्रोसेसिंग, परचेज ऑर्डर एवं सेल्स ऑर्डर की एंट्री करना सीखेंगे। परचेज ऑर्डर, सेल्स ऑर्डर के बारे में मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ। जब आपके पास कोई प्रोडक्ट खत्म होने वाला होता है तो आप उसके लिए अपने सप्लायर को ऑर्डर प्लेस कर देते हैं और सप्लायर आपको प्रोडक्ट की डिलीवरी 2 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में, जब भी आपका उससे तय होता है वो आपको डिलीवर कर देता है। तो यही सिस्टम हम टैली में कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। परचेज ऑर्डर PO, सेल्स ऑर्डर SO। PO और SO दोनों को एक्टिवेट करने के लिए हमें कंपनी फीचर में जाना होगा, जैसे पुराने ऑप्शंस हम करके आए हैं वैसे ही F11 की का प्रयोग कीजिए। और अब आप यहाँ पर इन्वेंट्री फीचर, जो आपको सेकंड ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपकी स्क्रीन पर, उसका चुनाव कीजिए। इन्वेंट्री फीचर में आपको 3 ऑप्शन एक्टिवेट करने हैं, एक परचेज ऑर्डर, दूसरा सेल्स ऑर्डर और तीसरा मैं आपको अभी समझा देता हूं, अलाउ परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग, यस इसे एक्टिवेट कीजिए। नेक्स्ट ऑप्शन अलाउ सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग, यस। साथियों, ऑल्ट F4 परचेज ऑर्डर की शॉर्टकट की है और सेल्स ऑर्डर के लिए आप कंट्रोल F2 का प्रयोग करते हैं। परचेज ऑर्डर ऑल्ट F4, सेल्स ऑर्डर कंट्रोल F2, ये 2 ऑप्शन तो आपने एक्टिवेट कर दिए। साथियों, कई कंपनियों में ऑर्डर प्लेस करते समय अमाउंट नहीं लिया जाता है, रेट डिसाइड नहीं होता है, इसलिए आप चाहे तो अपनी एंट्री को भी अलाउ जीरो वैल्यूड एंट्रीज बना सकते हैं, जो कि अभी तक टैली में आप नहीं कर पाते थे। जीरो वैल्यू, कोई भी अमाउंट नहीं, उसकी एंट्री टैली नहीं ले सकता है जब तक ये ऑप्शन एक्टिवेट ना हो, अलाउ जीरो वैल्यूड एंट्री। हम इसको यस कर देते हैं। कुछ साथियों की कंपनियां जीरो वैल्यू की ही एंट्री लेती होंगी परचेज ऑर्डर में, सेल्स ऑर्डर में, तो इसलिए इसको भी आप यस करा सकते हैं अपनी आवश्यकता अनुसार। स्क्रीन को एक्सेप्ट कराया मैंने। अब पीछे गेटवे ऑफ टैली पर जाकर के अकाउंटिंग वाउचर में चलते हैं। गेटवे ऑफ टैली, अकाउंटिंग वाउचर, जहां से आप वाउचर की एंट्री करते हैं। साथियों, कई बार आपको ऑर्डर प्रोसेसिंग की शॉर्टकट की यहां नहीं दिखाई देती है तो आपको पीछे इन्वेंट्री वाउचर नीचे ऑप्शन, जिसका प्रयोग हम अभी तक नहीं करते हैं, उसमें जाकर के देखना चाहिए। तो साथियों, शॉर्टकट की तो मैंने आपको बता दी है, तो आप अकाउंटिंग वाउचर में ही एंट्री कर लेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों ही सेम है, शॉर्टकट की इसका प्रयोग बस आपको याद करना है। तो सबसे पहले परचेज ऑर्डर के लिए हम ऑल्ट F4 ले लेते हैं। अब साथियों, जिस सप्लायर को आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं गुड्स के लिए, उस पार्टी का नाम आपको सबसे पहले टाइप करना है। मैंने यहाँ पर मिस्टर रामलाल, हमारे सप्लायर का नाम ऐड कर दिया। अब मुझे इसके बाद ऑर्डर नंबर मेंशन करना है साथियों, क्योंकि कई कंपनियों में ऑर्डर नंबर दिया जाता है। मैंने यहाँ ऑर्डर नंबर R1 कर दिया,
आप अपनी कंपनी के ऑर्डर नंबर को फॉलो कर सकते हैं। एंटर। अब हमें वो सारे प्रोडक्ट्स यहाँ देने हैं जिनका ऑर्डर हम प्लेस करने वाले हैं। मैंने लैपटॉप लिया, अब यहाँ पर पूछ रहा है वो आपसे ड्यू ऑन, जो ऑर्डर आप दे रहे हैं वो कब ड्यू हो जाएगा। साथियों, मैंने इसको वाउचर की हमारी डेट 1 अगस्त है, मैं इसे एक दिन का टाइम दे करके 2 अगस्त कर देता हूँ। अब किसी गोडाउन को अगर आप अभी मेंशन करना चाहते हैं तो कर दीजिए, वरना ब्लैंक छोड़ दीजिए एनी करके। मैंने यह गोडाउन दे दिया, न्यू दिल्ली, एक्चुअल 12 पीसेस एंड बिल्ड 12 पीसेस, लेकिन जो साथी अमाउंट फीड नहीं करना चाहते हैं वो इसे ब्लैंक कर देंगे, और जो साथी अमाउंट फीड करना चाहते हैं वो फीड कर सकते हैं। कोई और प्रोडक्ट आप लेना चाहें साथियों तो ले सकते हैं। मैंने पेन ड्राइव लिया, उसे भी 2 अगस्त को इसी बिल पर ऐड कर दिया, और ऑर्डर नंबर होने के कारण मुझे याद नहीं रखना पड़ेगा कि मैंने रामलाल जी को क्या क्या प्रोडक्ट कितनी क्वांटिटी में ऑर्डर दे रखा है। 24 पीस और इनका अमाउंट ब्लैंक कर दिया मैंने साथियों, क्योंकि आपको ब्लैंक अमाउंट की एंट्री भी दिखाना जरूरी है, इसलिए मैं इसको ब्लैंक करके एक्सेप्ट करा देता हूं साथियों। ये रहा साथियों हमारा पीओ परचेज ऑर्डर की एंट्री हो चुकी है साथियों। अब ऐसे ही आप सेल्स ऑर्डर के वाउचर की एंट्री करते हैं, जब कोई कस्टमर आपको किसी प्रोडक्ट की डिमांड करता है तो आप उसको सेल्स ऑर्डर में एंट्री कर लेते हैं। कंट्रोल F2 का प्रयोग करेंगे, पार्टी का नाम, किसी कस्टमर ने आपको ऑर्डर लिखवाया और आप उसकी डिलीवरी नेक्स्ट डे टुमारो करने वाले हैं तो आप पार्टी का नाम ले लीजिए। लेकिन साथियों पहले से ध्यान रखिएगा कि अगर आप यहां पर अमाउंट फीड कर रहे हैं तो उस पार्टी की क्रेडिट लिमिट आपने कोई सेट की है तो उसी के अकॉर्डिंग आप एंट्री करेंगे, क्योंकि पूरी एंट्री बनाने के बाद आपको याद आया क्रेडिट लिमिट तो इस पार्टी की 10,000 है तो आप एंट्री नहीं कर पाएंगे। मैंने यहां एक पार्टी कस्टमर कुणाल मिश्रा की एंट्री बनाई, इस पर कोई भी प्राइस लेवल सेट नहीं किया, और ऑर्डर नंबर मैंने कुणाल 1 कर दिया, प्रोडक्ट का ऑर्डर दिया, रिसीव किया, जो कि मैं कल 2 अगस्त को डिलीवर करूंगा न्यू दिल्ली गोडाउन से। न्यू दिल्ली लिया मैंने, 2 पीस का ऑर्डर आया और मैं अमाउंट फीड कर रहा हूं। साथ ही साथ मैंने पेन ड्राइव का भी ऑर्डर रिसीव किया, उसी बिल पर, उसी ऑर्डर पर न्यू दिल्ली गोडाउन के लिए 6 पीस और इस एंट्री को भी एक्सेप्ट करा दिया साथियों। ऑल्ट पी करके हम प्रिंट ऑल्ट जेड ये पर्टिकुलर ऑर्डर लैपटॉप उनकी ड्यू ऑन ड्यू डेट क्वांटिटी प्राइसिंग सब कुछ यहाँ फीड है और हम इसको प्रिंट कर सकते हैं साथियों। अब ऑर्डर प्रोसेसिंग के बाद साथियों हमें 2 और वाउचर करने हैं, डिलीवरी नोट्स और रिसिट नोट्स। माल पहुंचाएंगे और माल रिसीव भी करेंगे, उससे पहले मैं चाहता हूं साथियों
आप इस चैप्टर के असाइनमेंट जरूर कर लें और असाइनमेंट की सॉल्यूशन वीडियो भी देख करके आप अपने आंसर मैच करा लीजिए साथियों।